क्या गिवन है? फॉर्मूला नंबर वन, इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है, YDSC में किया हुआ है। रेशियो ऑफ विड्थ क्या होती है? W1 by W2 इज इक्वल टू I1 by I2 इज A1 square by A2 square किया हुआ है। इंटेंसिटी मैक्स और मिनिमम का ये फॉर्मूला किया हुआ है। ये नहीं किया, जरूरत नहीं है, इतना ही कर लो, सफिशियंट है। क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूं। वॉट इज रेशियो ऑफ, क्या निकालना है? स्लिट विड्थ W1 by W2 निकालना है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट हैव रेशियो गिवन। अब हमें पता है कि स्लिट विड्थ क्या होती है? इंटेंसिटी की रेशियो। इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशियो। एम्पलीट्यूड की रेशियो पता है, इसका स्क्वायर निकाल देना आंसर है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट है, टू कोहरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो। यानी कि आपको क्या गिवन है? I1 और I2 की रेशियो गिवन है 25 और 16, और इंटेंसिटी होती क्या है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से A/B की रेशियो क्या आ जाएगी? 5/4। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा टू इंटेंसिटी मिनिमा। इंटेंसिटी मैक्सिमा, इंटेंसिटी मिनिमा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, A+B/A-B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, ये किया था हमने पिछले केस में, पिछले लेक्चर में किया था, I max I minimum। तो आप इसे काम करें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ए से डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये रेशियो आ गई। अब B/A यहां से निकाल के यहां पुट करके I max और I minimum की रेशियो आ जाएगी आंसर। क्लियर है यहां तक? तो कैसे करना समझ में आ रहा है? जैसे इफ टू स्लिट्स इन YDSC हैव विड्थ रेशियो। देखो, अगर विड्थ रेशियो गिवन है तो बस आप ये समझ लो तुम्हें इंटेंसिटी की रेशियो गिवन है, और इंटेंसिटी की रेशियो गिवन है तो समझो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशियो गिवन है। कितनी आएगी? 2:1। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है? A+B/A-B का होल स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन बन गया सेम, A/B की रेशियो गिवन है, I max और I minimum की रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे इसमें रेशियो ऑफ इंटेंसिटी टू मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको क्वेश्चन में गिवन है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एंड मिनिमा टू मैक्सिमा, ओके, आपको क्या गिवन है? I minimum और I maximum की रेशियो गिवन है, 9 और 25। उल्टा भी ट्रू है, I maximum I minimum की रेशियो कितनी है? 25/9। तो आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ विड्थ निकालनी है, मतलब विड्थ निकालनी है, यानी कि W1 by W2। एक काम करेंगे, W1 by W2 होता क्या है? I1 by I2, या क्या होता है? A square by B square, यही है। तो तुम यहां पर फॉर्मूला लगा लेना, A+B/A-B का होल स्क्वायर, 25/9। यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके A/B की रेशियो आएगी। इस A/B की रेशियो को यहां पुट करके विड्थ की रेशियो निकालना। तो मेथड समझ में आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ये प्रूव करने को आएगा कि अगर आपके पास दो कोहरेंट सोर्सेज हैं और लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा, इंटेंसिटी रेशियो का मतलब I1 by I2 की रेशियो कितनी है? बीटा। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहां से A1 by A2 की रेशियो भी आ गई। आपको यहां से ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो तुम लेफ्ट हैंड साइड लिखो, IMAX का फॉर्मूला होता है K into A+B का होल स्क्वायर, या A1 plus A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या होता है? A1 minus A2 का होल स्क्वायर। किया, इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके रेशियो आएगी। यहां से A1 by A2 की फॉर्म में लिखो, A1 by A2 की रेशियो √β है, √β पुट करोगे तो जो प्रूव करना है आंसर आएगा। अब जो अनसॉल्व शीट्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, वो आपने सबमिट करनी है दोनों की दोनों, और ऐसे मत आना, बोला मैंने अभी 65 और 66।